Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 29 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, इसके अंदर फोर सेक्शन में टू टू क्वेश्चंस होते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है. तो सबसे पहले सेक्शन में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आता है. सेकंड में थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस. थर्ड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. एंड फोर्थ में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. इन में से क्वेश्चन आते हैं. तो सबसे पहले तो कंपलसरी सेक्शन देख लो. कंपलसरी सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये सेकेंड क्वेश्चन पेपर का कंपलसरी सेक्शन है विद आंसर्स दे रखे. यहाँ पे स्पिन सिलेक्शन रूल्स हैं. इसके अलावा ये थर्ड पेपर का कंपलसरी सेक्शन है. अब हम देखते हैं सेक्शन वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट में क्या है, डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पूछ रखी है. इसके साथ साथ लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो डी ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग करनी है वो स्क्वायर प्लेनर, टेट्राकोनल एंड ऑक्टाहेड्रल तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स की करनी है. इसके अलावा जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके साथ साथ स्ट्रक्चर पूछा जाता है Fe-CN6-3-. तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है एंड ये इसके बी पार्ट का आंसर है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. मैंने बताया कि तीनों के तीनों करना है, स्क्वायर प्लेनर भी करना है, टेट्रागोनल भी एंड ऑक्टाहेड्रल भी करनी है. और इसके साथ यहाँ पे बी पार्ट में पूछा गया है एक्सप्लेन हाउ नेचर ऑफ लिगेंड एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग है, जिसमें आपको डायग्राम भी बिल्कुल अच्छे से बनाने पड़ेंगे और एक्सप्लेन भी पूरा करना पड़ेगा. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं ये सभी बता रखा है इसमें. उसके अलावा बी पार्ट में ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे इफेक्ट डालता है, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आयन कैसे इफेक्ट डालता है ये बता रखे हैं स्प्लिटिंग पे. उसके अलावा थर्ड में है इफेक्ट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस 3 मार्क्स में है. इसके अलावा बैरिस सेंटर का सिग्निफिकेंस. ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन फील्ड ऑफ 6 लिगेंड्स इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. तो स्प्लिटिंग वाला क्वेश्चन टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर तीनों वाला करना है, क्योंकि इन तीनों में से दो भी पूछे जा सकते हैं और करके जो दो क्वेश्चन आते हैं दोनों में तीनों को भी पूछा जा सकता है. जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर दो को साथ में पूछ लिया और हो सकता है कि इसके दूसरे क्वेश्चन में ऑक्टाहेड्रल को पूछा गया. तो आप इसका आंसर देख लो, ये इसका एनर्जी लेवल डायग्राम है. यहाँ पे टेट्रागोनल के लिए है और नीचे स्क्वायर प्लेनर के लिए दिया गया. इसके अलावा बैरी सेंटर क्या होता है, बैरी सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. उसके साथ साथ इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है और इसी में देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पूछा गया है. तो आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वाला क्वेश्चन तीनों के तीनों में करना है, टेट्रागोनल में भी, ऑक्टाहेड्रल में भी एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में भी. इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाला क्वेश्चन तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था. यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के साथ में इसकी लिमिटेशंस भी पूछी गई, तो आप लिमिटेशंस को भी पढ़ लेना. तो फर्स्ट सेक्शन में इतने ही क्वेश्चन हैं. अब हम देखते हैं सेकंड सेक्शन में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं.
सेकेंड सेक्शन का फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। इसके अलावा ट्रांस इफेक्ट एंड ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट, ये भी विद एग्जाम्पल कर लेना, क्योंकि इसको भी 3 मार्क्स में पक्का पूछा ही जाता है। यहाँ पे इन्होंने ट्रांस इफेक्ट और ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट के 2 मेथड दिखा रखे हैं। सबसे पहले में बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन आयन फ्रॉम PtCl4 2- बाय NH3, एंड सेकेंड वाले में बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ NH3 फ्रॉम PtNH3 होल 4 2+ बाय Cl- आयन्स। दोनों रिएक्शंस का अलग अलग मेथड है, तो आप दोनों को कर लेना। और ये यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं। अब सेकेंड सेक्शन में सेकेंड क्वेश्चन क्या है, नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, एक्सप्लेन एनी वन। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी बिल्कुल अच्छे से कर लेना। इसके साथ साथ लॉग बीटा क्या होता है, हाउ इट इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेना। तो ये हमारे क्या है, फैक्टर्स जो कि कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, इनमें से 2 या 3 फैक्टर्स को अच्छे से कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा। एंड इसके सेकंड पार्ट में स्टार्टिंग आपको वहीं से करनी है जहां से मैंने इसके फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट की दिखाई थी, स्टार्टिंग वहीं से ही है, एंड में थोड़ा सा क्वेश्चन में अंतर है। बी सेक्शन का थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, और इसके भी सेकंड पार्ट में वही पूछा गया, देख लो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस के कौन कौन से फैक्टर हैं, इसमें से एक को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चंस जो मैं बताती हूँ वही सारे रिपीट होके आते हैं, बस ये है पार्ट्स में क्वेश्चन आते हैं तो आगे पीछे करके क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर डेफिनेशंस जैसे कि पूछी जाती है, जैसे मैंने बी सेक्शन में फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन करवाया था उसमें अलग अलग करके पूछ लिया गया था, लेकिन आंसर्स में वही लिखना होता है। तो इसके बी सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट वाला ही है, सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, थर्ड ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, उसके एग्जाम्पल भी करने हैं आपको साथ में। सेकेंड सेक्शन में एक बार इसको भी पढ़ लेना, क्योंकि फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म होता है, उनकी डेफिनेशंस को कई बार 1-1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो ये वाला सेक्शन भी आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से। अब देखो सी सेक्शन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मेजरिंग करने के लिए गोज मेथड, हर साल पूछा जाता है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है यहाँ से। इसके अलावा डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक इक्विलिब्रियम इन सॉलिड कॉम्प्लेक्सेस, वे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मेजर करने के लिए गोज मेथड है, इसका डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा और पूरा का पूरा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, तभी आपके 3 मार्क्स पूरे होंगे। हमें नीचे दे रखा है डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक इक्विलिब्रियम इन सॉलिड कॉम्प्लेक्सेस। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पिन एंड ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आउट ऑफ Zn2+ एंड Cu2+ विच इज कलर्ड एंड पैरा मैग्नेटिक, ये वाला क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में पूछा गया, ऊपर वाला 4 मार्क्स में पूछा गया, तो नीचे वाले को एक बार पढ़ लोगे तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन है, और ऊपर वाले को भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऊपर वाला। तो Zn2+ और Cu2+ में से Cu2+ कलर्ड आयन होता है, क्योंकि Zn2+ में 2 आयन्स जो 4s में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स उनका लॉस हो जाता है, एंड डी सबशेल इसकी कम्प्लीटली फिल्ड हो जाती है, इसलिए कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक होता है, Cu2+ पैरामैग्नेटिक एंड ब्लू कलर शो करता है। सी सेक्शन का थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें क्वेंचिंग पूछी गई है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी पूछा गया, साथ में इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी लिखने हैं आपको। एंड सेकेंड पार्ट में ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म एंड एडवांटेज ऑफ गोज मेथड।
तो इसमें भी आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन डिटेल में लिखना पड़ेगा। पैरामैग्नेटिज्म का तो आपको पता ही, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसका ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, हाउ डज इट वेरी विद टेम्परेचर, और इसके साथ साथ भी पार्ट में यहाँ पे पूछा गया है, ये कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम स्पिन ओनली फॉर्मूला। तो सी सेक्शन में मैंने आपको चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इन चारों को अच्छे से कर लेना, जिससे कि आपका सी सेक्शन भी पूरा का पूरा कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाएगा। ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला, ये पहले भी दिखाया था मैंने आपको, म्यू एस इज इक्वल्स टू 4s इनटू s प्लस 1। एंड इसके अलावा जो दूसरा फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, 2n इनटू n प्लस 2, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो इसमें s की वैल्यू होती है, s की वैल्यू 1/2 होती है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, और वहां पे n की वैल्यू 1 होती है, तो इसमें अंतर होता है। ऐसे यहाँ पे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है एंड n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम देखते हैं कि डी सेक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो ऑर्गेल एनर्जी डायग्राम जो फोर्थ सेक्शन में पूछा जाता है, डी वन के लिए भी करना है आपको, डी नाइन के लिए भी करना है, इसके अलावा डी टू और डी एट के लिए भी करना है, क्योंकि ये जो ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम आपको अच्छे से करने, इन्हीं को बार बार पूछा जाता है। इसके साथ वाइब्रियोनिक कपलिंग को भी 2 मार्क्स में पूछा गया है, एंड टर्म सिंबल निकालने भी 1 या 2 नंबर में एक वाले क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेना। ये यहाँ पे ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम D1 एंड D9 के लिए इन्होंने दे रखा है। सबसे पहले तो ये बता रखी स्प्लिटिंग कैसी होती है, उसके बाद ये है ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D1। ये वाइब्रियोनिक कपलिंग है, उसके अलावा टर्म सिंबल कैसे कैलकुलेट करना है उसका भी फॉर्मूला दे रखा है। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है D8 सिस्टम के लिए ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम, एंड टर्म सिंबल निकालने हैं आपको P3 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो मैंने बताया था D1, D9, D8 इन सभी के आपको एनर्जी लेवल डायग्राम अच्छे से करनी है, एंड टर्म सिंबल निकालने का फॉर्मूला तो वही रहेगा सेम। एक मैंने वाइब्रोनिक कपलिंग का क्वेश्चन बताया था कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, इसके अलावा जो LS कपलिंग का क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स में आता है। तो LS कपलिंग एंड वाइब्रोनिक कपलिंग आपको दोनों के दोनों अच्छे से करनी है, क्योंकि डी सेक्शन में LS कपलिंग एंड वाइब्रोनिक कपलिंग का 6 मार्क का क्वेश्चन आता है पार्ट्स में, एक 4 में पूछ लिया जाएगा, एक 2 में पूछ लिया जाता है, एंड इसके बी पार्ट में पूछ लिया जाता है कि ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम बताना है आपको, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का आ सकता है, D1 का, D9 का, D8 का, तो जो जो मैंने आपको दिखाए हैं आपको सारे अच्छे से करने हैं। तो डी सेक्शन में यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नीचे मैंने वाइब्रियोनिक कपलिंग आपको पहले भी दिखा दी, एक बार फिर से देख लो वाइब्रियोनिक कपलिंग का आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।